सब्सक्राइब करें आज़ाद इंडिया यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको शिवलिंग का अर्थ बताया था। अब बात करते हैं योनि शब्द पर। मनुष्य योनि, पशु योनि, पेड़ पौधों की योनि, जीव जंतु योनि का संस्कृत में प्रादुर्भाव प्रकटीकरण अर्थ होता है। जीव अपने कर्म के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म लेता है, किंतु कुछ धर्मों में पुनर्जन्म की मान्यता नहीं है। नासमझ बेचारे इसीलिए योनि शब्द में संस्कृत को अर्थ नहीं जानते, जबकि हिंदू धर्म में 84 लाख योनियां बताई जाती हैं, यानी 84 लाख प्रकार के जन्म। अब तो वैज्ञानिकों ने भी मान लिया है कि धरती में 84 लाख प्रकार जीव हैं। पेड़, कीट, जानवर, मनुष्य आदि मनुष्य योनि, पुरुष और स्त्री दोनों को मिलाकर मनुष्य योनि बनती है। अकेले स्त्री या अकेले पुरुष के लिए मनुष्य योनि शब्द का प्रयोग संस्कृत में नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर इसका अर्थ यह है कि लिंग का तात्पर्य प्रतीक है, शिवलिंग का मतलब है कि पवित्रता, और दीपक की प्रतिमा बनाए जाने से इसकी शुरुआत हुई थी। बहुत से हठयोगी दीप शिखा पर ध्यान लगाते हैं, हवा में दीपक की ज्योति टिमटिमा जाती है और स्थिर ध्यान लगाने की प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न करती है, इसलिए दीपक की प्रतिमा स्वरूप शिवलिंग का निर्माण किया गया ताकि निर्विघ्न एकाग्र होकर मनुष्य ध्यान लगा सके। लेकिन कुछ विकृत मुगल काल व गंदी मानसिकता वाले अंग्रेजों के गुलामों ने इसे गुप्तांग की संज्ञा दे दी, झूठी कुसिक्त कहानियां बना ली और इसके पीछे के रहस्य को भूल गए। आज भी बहुतायत हिंदू इस दिव्य ज्ञान से अनभिज्ञ हैं। हिंदू सनातन धर्म व उसके त्योहार विज्ञापन पर आधारित हैं। अपने पूर्वजों, संतों, ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों की देन आज हम लोग समझ ही नहीं पा रहे कि क्या थी। आशा करता हूं अब आप लोग समझ गए होंगे कि योनि और शिवलिंग में अर्थ क्या है। इसलिए इस वीडियो को और इससे पिछली वाली वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी पता चल सके कि शिवलिंग और योनि में क्या अंतर है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।